किवाड़ा का मेरियम नाम है। अच्छा नाम कहीं में बस नाम है किस चीज में नाम है रु यार रुका बद सारी चीजों में है किस चीज में बता दो रेस माओ कोई डाक माओ सारी जगह छुट्टियां हरिद्वार हाथ मार के तल्ला सबकी छुट्टियां कोई आवे महाराज जब तेरे तो दिल लाया मैं अपने अपना पागल कहने लग रहा हूँ और तू के तू मेरे बिना जी नहीं सकता। अरे मैडम 1.5 साल हुए मैं तेरे बिना जीने लग रहा हूँ। तो क्या हुआ था 26 जनवरी में स्थापना आई थी सारी रात नी सोया और दारू पीते रे गम धरती मात मैल मैल कर रोया। बस भाई बचपन में गंदे स्टाप में बैठ गए कदी पढ़ने का जिगरा तो उठाया ही नहीं बस इटाल की बात चलो दिमाग में बड़ी नहीं कभी भी नया साल कब मना जाओ नया साल 1 जनवरी ना महाराज बैठा रहे पहले बेंच पे माँ कसम कती चाला था ठोडी ऊपर तिलक ती काला था महाराज ठंडी ठंडी हवा चलती मौसम कती कूल था हाथा के मैं किताब किताब के मैं फूल था और कुछ तो मेरा याद नहीं किवाड़ा गांव का सरकारी स्कूल था। नमस्कार दोस्तों एनडी हरियाणा चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। भाई स्कूल के बालक हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के खपीटर हैं मैं तो थोड़ा पिछड़ भी गया हरियाणा के खपीटर हैं हरियाणा के सरकारी स्कूल के वो क्या कर रहे हैं सरकारी के मैं पढ़ा हुआ और क्या कर रहा हूँ ना ना वो आगे ना बोलो फिर। और भाई ये सरकारी स्कूल है किवाड़ा से हैं किवाड़ा के सर किवाड़ा का मेरियम नाम है। अच्छा नाम कहीं में बस नाम है किस चीज में नाम है रु यार रुका बद सारी चीजों में है किस चीज में बता दो रेस माओ कोई डाक माओ सारी जगह छुट्टियां हरिद्वार हाथ मार के तल्ला सबकी छुट्टियां कोई आवे। अच्छा और दूसरी अच्छा ये बता साहिल भाई 15 अगस्त ना अपना देश आजाद होया था 15 अगस्त 1947। अच्छा तेरा क्या नाम है साहिल भाई साहिल केवाना तैया अच्छा नुस के बताओ साहिल सुना रहे अपने दोस्त से बताओ भाई देश के नाम सुना रहे और दिल टूटे सुना रहा हूँ तो महाराज जब तेरे तो दिल लाया मैं अपने अपना पागल कहने लग रहा हूँ और तू के तू मेरे बिना जी नहीं सकता। अरे मैडम 1.5 साल हुए मैं तेरे बिना जीने लग रहा हूँ। 15 अगस्त क्यों मनाया जाए 15 अगस्त में मेरा भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 ने इसलिए 15 अगस्त 26 जनवरी ने किया 26 जनवरी ओ स्थापित हुआ था मेरा देश स्थापना। अच्छा चलो और तो क्या हुआ था 26 जनवरी ने स्थापना आई थी की इतनी बार रख गया और कौन सा बोलेगा क्या नाम भाई भाई पिंडू गुज्जर नाम है वो तो भाई रोहित है गांव में भाई सब पिंडू गुज्जर के नाम से जाना है। अच्छा बड़ा फेमस है हाँ भाई अच्छा क्यों के कुछ आ गया कुछ तो भाई डाल के पढ़े लिख दे बस नु तुक्के तक के लाइक का पास हो दे। अच्छा सर कैसे लो कैसी कैसी पढ़ाई भाई पढ़ाई बढ़िया होवे बस बालक पढ़ते नहीं पढ़ाई तो सालों में बढ़िया होवे भाई स्कूलो में मारे में भाई बढ़िया पढ़ाई होवे ऐसा कोई बात नहीं है भाई बालक पढ़ते नहीं मजे लेवे ये हम के का हम जिंदगी पढ़ते भाई हमने कुछ नहीं आंदा सारे नु यांगे तो तुक्के पढ़ के क्या बनना चाहो पढ़ पढ़ गया तो भाई के बने थे कहीं की तो अभी तक सोची नहीं फिर भी भाई पढ़ गए तो ठीक है वो तो भाई अच्छा कोई शायरी आने दे शायरी भाई फिलहाल तू धोखा देगी यार सारी रात नहीं सोया और दारू पीते रहे गम में थोड़ा धरती मात मैल मैल कर रोया। भाई अच्छा स्कूल के बालक हम यार ऐसी चीजें क्यों याद कर रहे बस भाई के बतावा वीडियो बनाने लग गए दिमाग में चढ़ लग गई शायरी बनाने लग गए फिर लोग नुगा भाई और बना कर और बनाने लग गए भाई नु फेमस हो गए। अच्छा फिर 15 अगस्त ने की बात हुई थी 15 अगस्त ने भाई अपना देश आजाद होया था जो अपने भाई गांधी गुंधी हुए थे भगत सिंह और बद गए थे भाई ये कि भाई इन बदगा तो कोई है ही नहीं देश आजाद करे वांड बंदी करवा देंगे मजे वाले तो जी। अच्छा प्रधानमंत्री कैसे हमारे देश भाई प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है भाई इलाका प्रधानमंत्री भाई पहली बार आया है
जो भाई इतनी सुविधा इतने रूल ये सब सिस्टम भाई बहुत बढ़िया सिस्टम है। बढ़िया है। हाँ भाई। अच्छा पढ़ाई में क्या हुआ? पढ़ाई में तो भाई हमने तो कुछ नहीं आंदा देख सब बताओ है आज तक अपना नाम लिखना सीख गए अपने गांव का नाम लिखना सीख गए आए भाई आज तक। अच्छा पढ़ना क्यों भाई? पढ़ने में बस बाजे बाजा दिमाग से भाई पढ़ाई में बढ़िया हुआ है किसी का भाई चलता नहीं कोई बचपन से बिगड़ जाए कहीं क्या बढ़ जाए भाई मैं तो ही काम है मेरा दिमाग चल ही नहीं। कमी कहाँ है स्कूल में आया थारे में? कमी मारे मैं स्कूल की गलती नहीं करते हम कमी मारे मैं भाई। अच्छा। हाँ हम पढ़ते नहीं पर कहाँ से मतलब ये होया कि हम पढ़ना नहीं क्यों नहीं पढ़ना? मैं तो भाई बचपन में गंदे स्टाप में बैठ गए कभी पढ़ने का जिगरा तो उठाया ही नहीं बस इटाल की बात चलू दिमाग में बढ़ी नहीं कभी भी बचपन तक पढ़ा जाता फिर पढ़ाई नहीं गया बस भाई के बता रहा बस नोएडा रह ठली इब के काम करया करो काम कुछ नहीं करते भाई मारे माड़े का कैसना है। अच्छा और कौन सा बोलेगा? कहना बोल रहे एक शायरी हमारे एक सुखी रोटी वाली सुखी रोटी वाली बोल वाली मारे बोल वाली घंटा यार दैट शायरी का गाऊं और शायरी सुनाओ भाई। अच्छा इस तरह के नाम भाई चलो इतना याद कर ले ठीक है याद कर लेना। सावन 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 के झूलों ने मुझको बुलाया और सावन का महीना चल रहा है कौन से काम तो वर्णेता। अच्छा क्यों जाओ ना 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 जाओ ना पागल नु गड़बड़ हो जाएगी इंटरव्यू में सारे जाओ ना। अच्छा कौन सी क्लास में क्या मैम बता? मैं नौवीं में हूँ भाई। नौवीं पढ़ कर कहाँ तक पढ़े मैंने जी 17 तक आवा है 17 तक। अच्छा 13 का सुना है 13 में 13 13 दून 26 13 39 13 54 13 5 65 13 98 13 13 112 13 में 140 13 22 बिचड़े की बिचड़े लग गया तेरा कहाँ तक आवा है पढ़े पढ़े तो भाई जान दी नहीं तेरे तेरे बताओ स्कूल में भी सुनाओ सुनाया मास्टर मुस्टर मर दिन था मास्टर नहीं बात है भाई कुछ नहीं मास्टर जी मास्टर कभी फसे नहीं मारे घंटा भाई इस वीडियो ने वायरल कर दिया ये वायरल कर दिया इस भाई ने शेयर कर दिया भाई और लगातार आपने मिलती रहेगी क्योंकि सीरियस नहीं होना चाहिए सारी बार और एक आधी बार फनी भी होना चाहिए मामला तो ये स्कूल के बच्चे हैं भाई सारा तो बातचीत करिए। अच्छा याद होगी शायरी? अक्स कर लेने में यार थोड़ी यार याद कर लेने भाई। अच्छा और कौन सा बोल रहे हैं? मैं बोलाऊँ छाट के बोलाऊँ यू आ जा भाई यू शरीफ सदी का आ जा यार मेरे बदमाश है मैं तो शरीफ हूँ। क्या नाम है? राहुल। राहुल एक जून को क्या हुआ? एक जून को अच्छा पंद्रह नया साल कब मनाया जाओ? नया साल 1 जनवरी ना नीचे ठाया क्यों ठाया क्यों जय सही बता दिया। अच्छा 1 मिनट रुक जा 26 जनवरी ना क्या 26 जनवरी ना मारे मेरा कोई नहीं ना इतना कोई और कौन सा बताओगे पूछ दिया ये देख सारे ओ देखो खड़ा उन्हें आ जा उरे ना जा उरे ना जा आजा आजा उरे ना जा एक मिनट दौड़ गया पकड़ के ले आ सावन में ए भाई वे सब चले गए हैं और बाकी ये है भाई और कौन सा सारे को कहना इंटरव्यू और याद करके आया महाराज जब बैठा रहे पहले बेंच पे माँ कसम कती चाला था ठोडी के ऊपर तिल कती काला था महाराज ठंडी ठंडी हवा चल रही थी मौसम कती कूल था हाथा के में किताब किताब के में फूल था और कुछ तो मेरा याद नहीं ओकीवाणा गांव का सरकारी स्कूल था। कोई जवाब नहीं है कोई जवाब नहीं है कमेंट बॉक्स भर के भगा दियो ठीक है भाई कमेंट बॉक्स भर के भगा दियो और वीडियो ने हर जगह स्टेटस पर लगा दियो क्या देखो नहीं भाई अपने चैनल आएगा इंस्टाग्राम पे साहिल सार 0.1 इन लाइक कर लो फॉलो कर लो भाई अपना प्रमोशन कर गया
अच्छा चलो और कौन सा है ये आओगा भाई इस तरह तो आजा नू ना पकड़ो जबरदस्ती ना पकड़ो ठीक है भाई ओके भाई मजा आएगा ना अरे यू तो खड़े भाई हलवाई का पूरा मजा आएगा पूरा मजा आएगा अच्छा के कुछ आवा तने थोड़े आओ ना करने चलो भाई ऐसा ना करया करो ठीक है और पढ़ लिया करो देखो लास्ट में थोड़ा मनोरंजन हो गया मेरी सभी बालकों दे सभी बच्चों दे स्कूल के बच्चों दे जितने भी है छोटे बड़े सभी देख रहे हैं पढ़ लिख के देखो एंटरटेनमेंट हो अगर कोई दिक्कत नहीं है जीवन में स्कूल में एंजॉय भी करो सब कुछ करो लेकिन पढ़ाई जरूरी है ठीक है देश के लिए और अपनी कामयाबी के लिए तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे भाई ये सोचा है कि हमारा बालक कुछ बनेगा और देख बढ़िया बात सुन के देख किरड़ बैज गए तो ये है अपना हरियाणा भाई और ऐसे खपीटर बालक वाया करे खपीटर खपीटर है तो बढ़िया भी लेकिन इनका एक ग्रुप सा आयु है ना तो इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे तो आप कमेंट बॉक्स में राय खरीद दीजिएगा अपने और भाई पढ़िया करो लिखा करो क्योंकि थारे घर को की उम्मीद थर पर अच्छा करके नो निकंदे थर जाके पढ़ लिया करो भाई कवा पढ़ा करो लिखा करो अच्छा पढ़िया करो लिखा करो कामयाब बनो कहीं मैं कुछ करो कामयाब बनो कुछ करो आगे बढ़ो फिर दे फिरेंगे सारे आन फैक्ट्री में कवा नवानी पर टी बनाने फैक्ट्री में काम में फैक्ट्री भी करनी है बियर में जाऊंगा सीधे तो नु अगर के ना खाना पड़े तो बियर में जाऊंगा सीधा टी बनाएगा बियर में बियर फैक्ट्री है भाई तो इंटरव्यू करते हैं खत्म भाई कैमरामैन कैसा लगा इंटरव्यू बस बाकी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि दादा जितनी बार बात करेंगे ना ओके वाह